किसी भी मशीन को सही से कार्य करने के लिए उसके इंजन का सही से काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक यहां पे इस शरीर रूपी मशीन का जो इंजन है यानी कि उसका जो दिल है, अगर वो सही से काम कर रहा है तो ये शरीर पूरा का पूरा शरीर हमारा अच्छे से कार्य करता है। हमारी धड़कन अगर अच्छे से कार्य कर रही है तो हमारा शरीर का एक एक पुर्जा, एक एक अंग हमारा बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। और दोस्तों आज इस स्पेशल एपिसोड में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके यहां पे मैं प्रेजेंट हूं उन लोगों के लिए जो दिल की समस्याओं से हमेशा घिरे होते हैं, जिनका दिल कमजोर अवस्था में कार्य करता है, जिनका दिल अब कमजोर हो गया है, जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जिनके पसीना निकल के आ जाता है, छोटी छोटी बातों में जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, छोटी छोटी बातों को जो सहन नहीं कर पाते हैं, जिनकी धड़कन एकदम तेज होने लगती है, धड़कन का स्तर है जो लेवल है जो उसका जो कंपन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज इसी विषय पर बात करते हुए यहां पे मैं 3 से 4 ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगा। अगर आपके बॉडी के अंदर ये सारे के सारे लक्षण, ये सारे के सारे सिम्टम अगर आपको महसूस होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है वो बहुत वीक हो चुका है, बहुत कमजोर अवस्था में काम कर रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ये चीज वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, यानी कि ऐसा नुस्खा आपको मैं दूंगा जो आपकी दिल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनका 100% रूप से आप उनको क्योर भी करेगा और आपके दिल को मजबूत भी बनाएगा और आपको जो छोटी छोटी बातों पे घबराने की, डरने की और एकदम से एंजाइटी, मानसिक तनाव वगैरह जो हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें जब आपके साथ क्रिएट होती हैं तो ये चीजें कभी भी लाइफ में आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस चीज का आप थोड़ा विश्वास करके चलिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सिम्टम यहाँ पे निकल के जो आता, जो महसूस होता है वो होता है धड़कन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इस सिम्टम को आप इतना नॉर्मल नहीं लेके चलेंगे, इसको यानी कि नॉर्मल साधारण सिम्टम नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसका मतलब है कि हमारा हार्ट सेफ नहीं है, हमारा हार्ट सही से कार्य नहीं कर रहा है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ से जो पंप जो होता है ब्लड का वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से ना जाने कितनी बड़ी अनहोनी होने के चांस होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है, अगर आपकी धड़कन हर छोटी छोटी बात पे अगर बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसका आपको इलाज जरूर लेना चाहिए। अब दूसरा सिम्टम यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। दोस्तों जो लोग एक व्यक्ति के सामने बात करने में भी उनको परेशानी होने लगती है, उनका एक तरह से बोलते बोलते जो अटकना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन पड़ गया है, तो दूसरा सिम्टम यहाँ पे यही मानूंगा मैं कि उनका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हार्ट से हमें जो ब्लड फ्लो मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में जाता है, यानी कि वो अच्छे से काम अपना नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको दवाई लेके इसको अपना ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिनका हार्ट कमजोर हो गया है, तो ऐसे लोगों के सीने में हमेशा दर्द बनने की शिकायत होने लगती है, उनको हमेशा सीने में जकड़न, सीने के अंदर दर्द, जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ऐसे टाइम पे उनको दर्द की होने की समस्या, दर्द होने की शिकायत, दर्द महसूस होने की ऐसी ऐसी सिचुएशंस उनके साथ में क्रिएट होने लगती हैं। तो अगर आपके सीने में एक लंबे टाइम से दर्द बना हुआ है, छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे कार्य करने के बाद में, थोड़ा सा वजन उठा के चलने के बाद में, अगर आपको लगता है कि आपके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, तो इस सिम्टम को आप हल्के में ना लें और इसके लिए आप इसकी जाँच करवाएँ, किसी डॉक्टर से मिलें, आयुर्वेदिक इलाज ले सकते हैं, या फिर अगर आप पहले अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो
तो आप अपना टेस्ट करवाएं, उसके बाद में एक अच्छा ट्रीटमेंट लेके इस प्रॉब्लम को आप हमेशा के लिए सही करें। अब दोस्तों चौथे नंबर का सिम्टम यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि हार्ट जब अपना अच्छे से कार्य नहीं करेगा, हार्ट जब वीक होने लगता है, तो ऐसे में उसका दबाव सीधा का सीधा कहाँ पे पड़ता है, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स पे पड़ना शुरू हो जाता है, और जो हम सांस लेते हैं उसमें रुकावट होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो हमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है, यानी कि सांस हमारा फूलना शुरू कर देता है, सांस हमारा एक तरह से फूलना, या फिर सांस जैसे दम फूलता है, एक ऐसी सिचुएशन हमें महसूस होने लगती है। तो दोस्तों अगर आपका सांस फूलता है, अगर आपको सबसे पहले तो आपको दमा की जांच करवानी चाहिए, अगर दमा नहीं है फिर आपको अपने हार्ट की जांच करवानी चाहिए, उसके बाद फिर आप अपना ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट लेके आप अपने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सही करें। अब दोस्तों सबसे लास्ट में मैं एक ऐसे सिम्टम के बारे में बताऊंगा जो एक कॉमन सिम्टम है, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सिम्टम भी इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं पेट के रिगार्डिंग बात करूँगा, हमारे पेट का जो सिस्टम है, हमारा खाने से लेके हमारा डाइजेस्ट होने तक, और उसके बाद में हमें शरीर के अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स, हमारा जो लीवर शरीर के अलग अलग भागों में हमें भेजने का जो कार्य करता है, वो जो पूरा का पूरा जो जो चेन चलता है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस चलता है, उसमें कमी आने लगती है, वो वीक होने लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं काफ़ी लंबे टाइम तक आपको हो रही हैं, तो ऐसे में आपको इस चीज़ को हल्के में ना लेना चाहिए। अगर आपका पेट खराब रहता है, अगर आपके पेट में हमेशा मरोड़ की तरह बना रहता है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, अगर आपके पेट में हमेशा गैस की समस्या हमेशा बनती है, इसके अलावा अगर आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है, अगर आपका लीवर अच्छे से कार्य नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में भी आपको इसका रीज़न भी ये हो सकता है कि आपका हार्ट एक कमज़ोर अवस्था में कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आपको इन सारे के सारे सिम्टम्स को ध्यान में रख के आपको अपना एक बेस्ट इलाज लेके इन सारे की सारी प्रॉब्लम्स को आपको दूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हार्ट अच्छे से कार्य करता है तो हम अच्छे से कार्य करते हैं, हमारा हार्ट अच्छे से कार्य करता है तो हम अच्छी सांस ले लेते हैं, हमारा हार्ट अच्छे से कार्य करता है तो हम अच्छा खान पीन करते हैं, अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, हम अपने अदर कार्य जितने भी होते हैं उनको हम अच्छे से निपटा लेते हैं, बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी मानसिक प्रेशर के। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट लेके इस प्रॉब्लम को अपनी को सही कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाई थी इस पे 4.5 लाख से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं, और लाखों लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है, हर्ट की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए, घबराहट, मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएँ जो व्यक्ति को पल पल रुलाने वाली समस्याएं होती हैं, पल पल उनका चैन उड़ा देने वाली समस्याएं होती हैं, ऐसी समस्याओं के लिए रामबाण उपाय मैंने यहाँ पे दे रखा है जिसका लाखों लोगों ने बेनिफिट उठाया है। तो आप लोग भी अगर आप दिल की कमजोरी से परेशान हैं, दिल की कमजोरी की वजह से अगर आपके बॉडी में ये सारे के सारे सिम्टम अगर आपको महसूस होते हैं, तो आप ये उपाय लीजिए, इससे बेस्ट आयुर्वेद में और कोई उपाय नहीं है, तो आप इसका उपाय का इस्तेमाल करिए और अपनी सारी की सारी समस्याओं का अंत कर दीजिए। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।